दिस आइसक्रीम इज़ द मेन रीज़न टू विजिट सॉफ्टविल। ये आइसक्रीम बार बार मेरी इंस्टा फीड पे आ रही थी और इसको देख देख के मैं इसको ट्राई करने पे मजबूर हो गई। अब सियालकोट में तो सॉफ्टविल था नहीं, तो इसको ट्राई करने के लिए हमें आना पड़ा लाहौर, और ये ब्रांच लोकेटेड है जोहर टाउन में। फिर हमने अपनी आइसक्रीम के फ्लेवर्स डिसाइड किए, और ये सारी आइसक्रीम की टॉपिंग्स थी। सबसे पहला फ्लेवर था चॉको नटी स्वील। ये बहुत मज़े की आइसक्रीम है और इसकी प्राइस है 200 रुपीज़। आइसक्रीम के बाद इसमें ढेर सारे नट्स ऐड किए जाते हैं। और अब जो आइसक्रीम रेडी होने वाली है ना, क्राउन कप आइसक्रीम, यार इसकी मेकिंग एंड तक देखना, बहुत मज़े की मेकिंग है इसकी। और इसमें कप में सबसे पहले आइसक्रीम ऐड की जाती है, फिर ब्राउनी के चंक्स, चॉकलेट सिरप, और यार ये एक बंदे से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। और इसके बाद इसमें एंडलेस स्वील्स ऐड किए जाते हैं। इतना ही नहीं, बाद में इसमें और टॉपिंग्स ऐड की जाती हैं, और फिर इसके ऊपर बारिश की जाती है चॉकलेट की। दो बंदों के लिए इनफ है, रच के खाओगे फिर भी ख़त्म नहीं होने वाली। और अब हमारा रेडी हो रहा है चॉकोलावा केक विद वनीला आइसक्रीम। इसमें आपके पास ओपन चॉइस है, या तो आइसक्रीम वनीला में करवा लो या चॉकलेट। और यहाँ हमारा ऑर्डर रेडी हो गया था, चॉको लावा केक विद वनीला आइसक्रीम, ऑलमोस्ट प्राइस 400 रुपीज़, चॉको नटी स्वील प्राइस 200 रुपीज़, क्राउन कप आइसक्रीम ब्राउनी फ्लेवर में प्राइस 600 रुपीज़, और चॉको कुकी स्वील प्राइस 200 रुपीज़। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि मुझे प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इतनी ही थी। इनके पास वनीला फ्लेवर में भी बहुत आइसक्रीम है, जैसे बटर स्कॉच एंड मैनी अदर्स। सीटिंग नहीं थी इसलिए ढंग से वीडियो नहीं बन पाई, और यहाँ पे ट्राई करने लगी हूँ चॉको लावा केक विद वनीला आइसक्रीम। लावा तो निकला ही नहीं, शायद ओवर कुक हो गया था, बट लावा के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, और मैंने स्वीट क्रीम का खाया इसलिए मुझे पता है। अब हम इसको ट्राई करने लगे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। इसमें जो ब्राउनी के चंक्स आ रहे थे ना, ऑफ, और ये मेरी थी चॉको कुकी स्वील। ये आइसक्रीम दो बंदों से भी ख़त्म नहीं हुई, एंड पे हम सब ने मिलकर इसको खाया, और इसने हमारी आइसक्रीम की क्रेविंग को फुली सेटिस्फाई कर दिया। सभी की आइसक्रीम मैंने ट्राई की थी, सभी आइसक्रीम्स बहुत ही मज़े की थी। कोन्स भी अवेलेबल थी, कोन मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि लास्ट में मुझे कोन का वॉफल खाने में बहुत मज़ा आता है। सब्सक्राइब टू गेट कनेक्टेड विद मी।